हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप से डार्क एंड ब्लू टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ट्रिक एंड स्टेप बताऊंगा जिसकी सहायता से आप भी अपनी फोटो में कुछ इस टाइप से टोन आसानी से दे सकते हैं। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी, ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारी फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +16 एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +10 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +10 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम सेकेंड वाले ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो नेचुरल लगे। तो इसे रखते हैं -11 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। तो इसे रखते हैं -20 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +25 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू को कर देंगे यहाँ से +77 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +22 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस की लेके जाएंगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -50 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को करेंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +35 एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रेडिंग का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे हम थर्ड वाला ऑप्शन पे एंड अपनी फिंगर की सहायता से फिंगर को स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को अपनी फोटो में परफेक्ट रूप से मिलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस, इसकी ह्यू है 215 एंड सेचुरेशन है 52 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +25 एंड यहाँ से ब्लेंडिंग की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ब्लेंडिंग की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +81 एंड यहाँ से वायलेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, वायलेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +60 एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, जो हमारी फोटो है वो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, लेकिन इसे हम और अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं +14 एंड यहाँ से डी एच की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +7 एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस की लेके जाएंगे। तो गाइस, विनेट की वैल्यू को हम ज़्यादा नहीं इसे रखेंगे -20 एंड यहाँ से मीट पॉइंट की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो मीट पॉइंट की वैल्यू को अपने सब्जेक्ट के हिसाब से रखनी है, तो मैं इसे रखता हूँ 21। अब हमारी फोटो को हम शाइनिंग एंड स्मूथ करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। तो इसे रखते हैं +25 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे। तो इसे रखते हैं 25 एंड यहाँ पर नीचे आते हैं एंड यहाँ पर एक कलर नॉइस रिडक्शन एंड यहाँ से इसकी भी वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। ठीक है,
तो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।